गाइस आज संडे है और हम लोग शॉर्ट राइड के लिए निकले हैं। डेक्कन ने मेरे को सुबह फ़ोन किया था, मतलब दोपहर में प्लान बना है राइड का। तो अभी हम लोग यहाँ पे 4 लोग हैं और मोटो बोट हमको रिलायंस पेट्रोल पम्प से ज्वाइन करने वाला है मसरूर से। तो अभी देखते हैं, एक ऑफ रोड, थोड़ा छोटा सा ऑफ रोड वगैरह और छोटा सा शॉर्ट राइड है। तो नई बाइक आई है ना, नई हाँ, बाइक आई है तो ऑफ रोड तो आज कल ही हमारे बाइक का सर्विस हो गया है, तो सोचा आज एक राइड मार ले। अभी तक इसका राइड नहीं मारा था। यूनिटी राइड के बाद आज मैं प्रॉपर गेयर अप हुआ हूँ। और ये हमारे भाई ने भी नई बाइक ली है अभी कल ही। भाई मुंबई मुंबई सब मार के आ गए बाइक के ऊपर। तो बस अभी चलो यहाँ से निकलते हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट और मोटो बोट को उधर से पिक करते हैं और राइड मार के आते हैं। अभी मैं बताता हूँ टाइम क्या हो गया है। अभी टाइम हो गया है 4:54, लगभग 5 बज रहे हैं। Is that blood work and the bass on the track on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man standing around like they hating the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes and the fun all the way to the back. पॉइंट मोटोबोट आ चुका है यहाँ पे। यही हमारा मीटिंग पॉइंट था यूनिटी राइड के लिए। और आज राइड पे आ रहे हैं ये समर, अपना चंदन, मोटोबोट, देवशीष और डेक्कन पेट्रोल भरने के लिए गया है। और ये अपना बाइक, तो अभी फटाफट डेक्कन पेट्रोल भर के आएगा, फिर यहाँ से निकलते हैं, दिखाता हूँ आपको पूरा मस्त। तो गाइस अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं रास्ते में, कहीं तो रुके पता नहीं। अभी आगे से यहाँ से भी रास्ता है और यहाँ से भी, यहाँ पे ऑफ रोड है तो हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ से जाते हैं। अभी मजा आएगा, अभी अपना बाइक टेस्ट करेंगे हम ऑफ रोड में। ऑलमोस्ट सारे एडवेंचर बाइक है, मजा आने वाला है। और इधर से हमारा ऑफ रोड ट्रेल शुरू होएगा। वाह भाई वाह, ए वीडियो के, ओहो भाई साहब कंफर्ट देख रहे हो गाड़ी का। एबीएस ऑफ कर देना चाहिए था भाई। फुल्ली ऑफ रोड भाई, फुल्ली ऑफ रोड। मजा आ रहा है भाई, काफी मजा आ रहा है। कंफर्ट देखो गाड़ी का, बहुत कस्टम। तो गाइस अभी एबीएस ऑफ कर दिया है, आपने देखा ही रहेगा अभी तक का ट्रेल। अभी आगे और मस्त मजा आएगा। भाई देवशीष भाई पीछे रह गए, उनको देखने के लिए गया मोटो बोट। और भाई क्या बोलते भाई, देवशीष भाई खो गए हमारे। भाई देवशीष भाई खो गए, देवशीष भाई खो गए। तिकडून पण त्या बाजूने पण रस्ता आहे का भाई? लोग गजब, एकदम गजब ऑफ रोड में। मतलब तुम आप ट्रेल देखो, स्टार्टिंग से जब आप गाड़ी जो नीचे डाली ना रोड से, वहां का तो इतना खतरनाक ट्रेल था ना भाई, मजा आ गया। एक्सपल्स, इम्पल्स और हिमालयन। मांग भाई
उस साइड से लेना चाहिए था, मैंने इस साइड से डाल दिया। चलो कोई नहीं, आते भी है रास्ता। गाइस अगर वीडियो एंजॉय कर रहे तो फटाफट जाके लाइक कर दो, मजा आ रहा है तो शेयर कर दो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई प्रॉपरली एबीएस ऑफ हो गया है पूरा, मतलब टायर थोड़ा भी ब्रेक लगा ना टायर स्पीड हो रहा है। मजा आ भी गया हो। सैडलिंग करने में इतना रिलैक्स, मतलब कंफर्टेबल फील हो रहा है ना, और ये गाड़ी जंप हो रहा है मैं फील कर सकता हूँ, मतलब नहीं क्या सस्पेंशन का जो जंप है ना वो फील कर सकता हूँ मैं। भाई मैं तो रिकमेंड करूँगा, जो लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे देना कि हिमालयन लेना चाहिए या नहीं, भाई डेफिनेटली गो फॉर हिमालयन। और भाई देवाशीष भाई इधर आके बैठ चुके, हम लोग उनको पीछे ढूंढ रहे थे। भाई कमाल है भाई, नाना टायर पंचर आला मागच। भाई लग गए हमारी, टायर पंचर हो गई, उद्घाटन हो गया इसका। माँ कसम भाई, बोला ना मैं पौनती चल रही राइड पे आया था। सो गाइस अभी हमारा लग गई है थोड़ी सी, टायर पंचर हो गया अपने हिमालयन का। भाई मोटोवर्ड भाई निकल रही है, काटा घुस गया था। अभी सीन ऐसा है कि ऐसी जगह पंचर हो गई, यहाँ पे कोई पंचर वाला भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं, और हमारे पास पंचर निकालने का किट भी नहीं हमारे पास। गाइस देख रहे आप, लग गई, व्यू काफी मस्त है, पर अभी हमारे लगी पड़ी है। हाँ हमारी इधर लगी लगी पड़ी इधर, ब्लॉक करतो है पोरगा, आई वाटू दे जरा, आता ते झालं आता काय करणार आहे, ब्लॉक कशाला सोडू मी, कंटेंट कशाला सोडू मी, पकड। तो गाइस अभी वहां से निकल गए स्पॉट पे से, काफी मस्त स्पॉट था, काफी बैठे यहां पे चिल गया। काय झालं रे, हां तो मोटो बोट हिमालयन चला रहा है, उसका वेट मेरे से कम है तो इसलिए यहाँ से आगे वो लेगा। काफी देख सकते हैं मस्त एकदम ज्यादा था, कैंपिंग वगैरह के लिए ना मजा आएगा यहाँ पे, ट्राई करेंगे कभी कैंपिंग, एक बार बारिश में भी यहाँ पे ऑफ रोड मारेंगे। एक्चुअली क्या हुआ, उधर जो कटा हुआ ग्रास जो था ना उसका मोटा वाला ये घुस गया उसके अंदर, अगर वो ग्रास नहीं होता ना तो नहीं होता था पंचर। अभी उसका वॉल निकल गया है तो डैमेज नहीं होगा, मतलब ट्यूब वगैरह पूरा हवा निकल जाएगा अच्छे से। अभी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर हाईवे रहेगा, 1.5 किलोमीटर का ऑफ रोड पैच है, तो हाईवे पे जाके पंचर निकालते फटाफट और फिर सिटी जाते। तो गाइस यहाँ पे ना बीच में एक रबर का ट्यूब होता है, मतलब टेंशन मत लो, होल चाहिए ना। हाँ यूट्यूब के लिए बता, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ना रबर का ट्यूब होता है, तो वो ट्यूब निकाल लिया हमने, और उसका परमानेंट सॉल्यूशन ऐसा क्या है कि जो ब्लैक टेप होता है अपना, वो पूरा टेप इसमें मार देंगे तो फिर से वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो ट्यूब निकलेगा नहीं। और पंचर तो बन गया अपना, बाकी ये लगा, ये होने के बाद फिर ट्यूब डाल के लगा देंगे टायर। तो गाइस अभी पंचर वगैरह बना लिया है और सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, कैमरे का बैटरी भी कम था और अभी 9 बज चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, लेट हो गया था काफ़ी,
तो मैंने बीच में व्लॉग नहीं किया, अभी सब लोग घर पे निकल गए और अभी मैं भी अपने घर पे जा रहा हूँ। तो छोटा सा काफ़ी अच्छा राइड था, छोटे मोटे पनौती चल रहे थे सबके, अपना भी टायर पंचर हो गया, पर कुछ नहीं, होने वाली चीज़ें होती रहती है। और पर ऑफ रोड में जो मज़ा आया ना भाई साहब ये बाइक के ऊपर, वो बता नहीं सकता मैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और पंचर होने के बाद ये पता चल गया कि पंचर किट कैरी करना है अभी, कुछ भी छोटी राइड हो या बड़ी राइड हो, ताकि आप जिधर फंस चुके हो उधर कम से कम आप अपना पंचर निकाल सकते हो। तो बस वही था, बाकी जिस जगह गए थे हम लोग उस जगह भी काफ़ी अच्छी थी, एक छोटा सा डैम टाइप था जो नासिक से कम 15 to 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, जो नासिक में रहते हैं उनको पता रहेगा।